तो दोस्तों फाइनली चौथा मुकाबला इंडिया टीम 8 रनों से जीत गई है, जहां सीरीज 2-2 से बराबर हो चुकी है। वहीं 5 मैचों की सीरीज में 2 मैच इंग्लैंड जीती और तो 2 मैच वहीं इंडिया जीत चुकी है। अब लास्ट मुकाबला जो होने वाला है 20 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है। जो मैच जीतेगा वही सीरीज लेकर जाएगा। वहीं सूर्य कुमार यादव को वापस टीम में जगह मिली और टीम में 3rd नंबर पर बैटिंग करते हुए उन्होंने खतरनाक 68 पारी। दोस्तों वहीं इंडियन बॉलर्स भी कमाल की बॉलिंग की। हालांकि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई भारतीय टीम का पहला विकेट रोहित शर्मा के रूप में गिरा। उन्होंने मात्र 12 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव आए, यानी कि 3rd नंबर पर यह मैच में सूर्य कुमार यादव बैटिंग कर रहे हैं, जिनकी बैटिंग काफी खतरनाक थी। उन्होंने मात्र 31 गेंदों में 57 रन बना डाले। वहीं अंपायर की गलत डिसीजन की वजह से सूर्य कुमार यादव को पवेलियन लौटना जरूर पड़ा, लेकिन जिसकी वजह से अंपायर की गलती की वजह से लोग फैंस काफी नाराज हो गए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का यह पहला मैच था और जो बल्लेबाजी कर रहे थे कितनी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं केएल राहुल भी इस मैच में फ्लॉप साबित हुए और 14 रन ही मात्र बना पाए। तो वहीं ऋषभ पंत ने भी 22 गेंदों पर 30 रन जरूर बनाए, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने उन्हें बोल्ड कर दिया। हार्दिक पांड्या भी 11 रन ही बना सके। वहीं अंतिम ओवर की गेंद पर श्रेयस अय्यर भी मात्र 18 बॉलों में 37 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह से भारतीय टीम का जो स्कोर हुआ 8 विकेट पर 185 रन तक पहुंचा। वहीं जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग काफी खतरनाक थी, वो भी 4 विकेट इस मैच में ले। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। जॉस बटलर के रूप में पहला विकेट गिरा, जिनको भुवनेश्वर कुमार ने चलता कर दिया। वहीं जेसन रॉय ने 40 रन बनाए, तो वहीं बैरिस्टो ने भी 25 रन बनाए, मलन 14 रन बनाए। लेकिन लास्ट के 17वें ओवर में बेन स्टॉक और मॉर्गन को आउट करके शार्दुल ठाकुर ने काफी ज्यादा नाम कमा लिया, क्योंकि ये 2 ऐसी विकेट थी, अगर ये दोनों विकेट नहीं जाती तो आराम से इंग्लैंड टीम जीते थे। उनकी रीढ़ की हड्डी जो दोनों तोड़ दिए शार्दुल ठाकुर ने, तो ये मैच का पूरा पासा पलट गया। हालांकि लास्ट के 19 ओवर में जरूर फायदा हुआ, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं जीत पाए और शैम करन 3 रन बनाकर आउट हो गए। क्रिस जॉर्डन भी मात्र 12 रन बनाकर आउट हो गए। इंडियन बॉलर्स काफी अच्छी बॉलिंग है। भुवनेश्वर कुमार को 1 विकेट मिला, हार्दिक पांडे को 2 विकेट मिला, वहीं शार्दुल ठाकुर को 3 विकेट मिला। वाशिंगटन सुंदर काफी महंगे साबित हुए, जो 13 की इकोनॉमी रोड से 52 रन दिया। वहीं राहुल चहर को भी 1 विकेट मिला। हालांकि अंपायर की एक गलती की वजह से सूर्य कुमार यादव का डेब्यू मैच में उतना रन नहीं मार पाए, लेकिन फिर भी 31 बॉलों में 57 रन जरूर मारे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, 5वां T20 इंडिया जीतेगी या फिर इंग्लैंड, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।